देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में किसी न किसी चीज को लेकर धार्मिक महत्वता जुड़ी हुई है। आज के एपिसोड में हम उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय के बंदरपुंच ग्लेशियर में स्वर्गारोहिणी चोटी के बारे में बात करेंगे। स्वर्गारोहिणी चोटी वो चोटी है जहां से स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता है। स्वर्गारोहिणी से 5 पांडवों में बचे सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर गए थे। अगर हम स्वर्गारोहिणी पर्वत का मेजरमेंट करें तो इसकी ऊंचाई 6252 मीटर है। इस पहाड़ के पीक की अगर हम बात करें तो पीक से जमीन की ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर है। चारों तरफ से बर्फ से ढका यह पहाड़ जितना सुंदर दिखता है उतना ही यह रहस्यमय भी है, क्योंकि इसी पर्वत पर स्वर्ग की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। यहीं से सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ जीवित शरीर को लेकर गए थे। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों में और जानते हैं इस स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, महाभारत काल 5154 साल पहले शुरू हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद कलयुग का समय शुरू हुआ। युद्ध के कुछ समय बाद पांडव भी परलोक जाने का निश्चय करते हैं, जिसमें ये लोग बद्रीनाथ से होते हुए स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। जब पांचों पांडव आधे रास्ते में थे तो सरस्वती नदी ने पांडवों की यात्रा को रोक दी थी। जब पांचों पांडव ने रास्ता देने की मांग करी तो सरस्वती माता ने उनको रास्ता देने के लिए इनकार कर दिया। तभी भीम ने 2 बड़े पत्थर के खंड को उठाकर सरस्वती नदी पर पुल बना दिया, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। इसी को आज भीम पुल नाम से भी जाना जाता है। सभी पांडव आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी द्रौपदी अचानक लड़खड़ाई। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई भी पाप नहीं किया है, फिर नीचे क्यों गिर पड़ी। तब युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि द्रौपदी ने सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से किया था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा सुनकर पांचों पांडव आगे बढ़ जाते हैं। उसके कुछ देर बाद सहदेव भी नीचे गिर जाते हैं। जब भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने जैसा विद्वान किसी को नहीं समझता था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके कुछ देर बाद नकुल भी नीचे गिर जाते हैं। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपने रंग रूप का काफ़ी अभिमान था, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। थोड़ा आगे चलकर अर्जुन भी नीचे गिर जाते हैं। भीम को बताते हैं कि अर्जुन को अपनी धनुर्धरी और पराक्रम का काफ़ी अभिमान था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। कुछ आगे चलकर भीम भी नीचे गिर जाते हैं। तब भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अब मैंने ऐसा क्या किया। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि तुम्हें अपने बल का घमंड था, जिस बल का तुम झूठा प्रदर्शन कर अपनी शान बनाया करते थे। यह कहकर युधिष्ठिर भी आगे चल पड़ते हैं, केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलते रहता है। तभी सामने स्वर्ग की सीढ़ियां आ जाती है, जिसमें देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ जाते हैं। तब युधिष्ठिर इंद्र से कहते हैं कि मार्ग में मेरे भाई और द्रौपदी गिरे हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाने की व्यवस्था करें। तब इंद्र उनसे कहते हैं कि वे सब पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और तुम स्वशरीर स्वर्ग में जाओगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। और इंद्र के साथ युधिष्ठिर और वह कुत्ता साथ ही स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। कहा जाता है कि आप इस पहाड़ से स्वर्ग की सीढ़ी तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपको प्रकृति खुद यहाँ तक पहुँचने से रोकती है, चाहे वो खतरनाक एवलांच हो या कोई भी कारणवश हो। वैसे बता दे, ये सीढ़ियाँ रावण ने बनाई थी जिससे वह देवलोक पर कब्जा कर सके। वैसे कहा जाता है यहाँ 7 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ 3 सीढ़ियाँ ही दिख पाती हैं। यहाँ सीढ़ियाँ सिर्फ उन लोगों को दिखती है जिन्होंने पूरी जिंदगी में कोई झूठ या पाप न किया हो। दोस्तों, आपकी इस पर्वत के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आप यहाँ जाना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।